मैं जनता के सामने, सुनिए एक राजीव बाजी आपके पास आने इंटरप्टेड 90 सेकंड आऊंगा। अभिजीत अय्यर मित्रा, अभिजीत अय्यर मित्रा, मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आया है जो देश को सुनना होगा और सुनना ही होगा। आनंद दुबे जी, स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी ने दिसंबर 14, 2006 में राज्यसभा में क्या कहा था, एक क्वेरी को रिस्पॉन्स करते हुए, कि चाइना इलीगली जो है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑक्यूपाई कर रहा है, ये प्रणब मुखर्जी ने कहा है। और उसके साथ में ये भी कहा गया था कि साइनो पाकिस्तान बॉर्डर अग्रीमेंट 1963 का हुआ था, उसमें हमने पाकिस्तान को 5,180 स्क्वायर किलोमीटर जो हिंदुस्तान की टेरिटरी है वो पाकिस्तान को दे दी थी हमने, उसमें चाइना को सहयोग हुआ था। अब मुझे बताइए अजय उपाध्याय जी, नेशनलिज्म के प्लैंक पे आप वीक है आप? अजय जी जाइए बोलिए। देखिए, ये देश में राष्ट्रवाद के मायने तो जो नहीं समझते वो दूसरे को यही बात कहेंगे। जिसने पाकिस्तान को दो टुकड़े में किया हो, जिसने चाइना के साथ मुंह तोड़ जवाब दिया हो, जिसने विश्व में अपनी एक धाक बनाई हो और नॉन अलाइनमेंट के माध्यम से पूरे विश्व में अपनी जो स्थापित की हो ताकत, उसको यदि आप राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद के बाद पाठ पढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि जो ये पाठ पढ़ाने वाले हैं उनको समझना चाहिए। हम बदतमीजी से बात नहीं करते, बेशर्मी जिनको हो वो बेशर्मों को अपनी भाषा संभालनी चाहिए। 2017 जुलाई में हम्बन टोटा का समझौता चाइना से हुआ, जो लोग यहाँ आकर झूठ तथ्य दे रहे थे वो अपना पोल खोल लें। अभी जी, सिक्किम और गोवा को इंदिरा गांधी ने इस देश में मिलाया और ऐसे 2017 स्क्वायर की 2,17,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है जमीन इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मिलाया है, इस देश के अंदर जोड़ा है 1948 से लेकर के और 2014 तक प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में आज जो है लगभग 29,000 स्क्वायर किलोमीटर जो जमीन है वो चाइना ने किसी न किसी रूप में कब्जा किया। और तब जब ये झूला झूल रहे थे चाइना के साथ, आज भी यदि सब ठीक है तो क्यों बार बार वार्ता हो रही है? वार्ता का नतीजा क्या निकलता है? झूठी बात होती है, न कोई घुसा है न कोई घुसा हुआ है। और प्रधानमंत्री जी का के मुंह से चीन शब्द क्यों नहीं आता है? अभिजीत आएंगे डिफेंस एनालिस्ट में, 90 सेकंड आपको दी, मुझे घनश्याम और गौरव भाटिया के पास आना है। करके देश को दलालों के हाथ, अभिजीत और अडानी और अंबानी बोलूं या इनको बोलने देंगे? पर वो बिजनेसमैन कांग्रेस के स्टेट्स के अंदर भी बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जी, वो बहुत वीक प्लान है कांग्रेस के स्टेट्स में अशोक गहलोत जी के साथ में जो है वीक प्लान है। पर हम्बन टोटा पे कह रहे हैं 2017, अभी जी 2017 के साथ देखिए, पहले तो मैंने इनको, इन्होंने जो हम्बन टोटा के बारे में बोला था, अजय जी आपकी बात हो गई, अभिजीत से मैं आ रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? अभिजीत और घनश्याम तिवारी, ठीक है अजय जी आपकी बात हो गई। देखिए, इन्होंने जो हम्बन टोटा के बारे में अभिजीत और घनश्याम तिवारी ऑफिस गौरव भाटिया, हाँ लास्ट अभिजीत, वो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखा दिया ये झूठ था। आप जाके मेरे टाइमलाइन पे देखिए, 2008 का मैप है, 2008 में ही वो पूरी चीनी आर्मी फिंगर फोर पे आ गई थी, वो फॉक्स पॉइंट पे। तो क्या लॉस हुआ है सरकार के नीचे? मैं तो बोल रहा हूँ पूरा जो लॉस ये अभी बीजेपी के इस पे दिखाना चाह रहे हैं, घोटाला दिखाना चाह रहे हैं, वो सब 2006 से लेके 2013 तक हुआ है। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं ये लोग? शो पे आपके सामने मैंने इनको गलत साबित किया। 90 सेकंड इन द डिबेट, घनश्याम तिवारी 30 सेकंड, गौरव भाटिया 30 सेकंड। घनश्याम जी फैक्ट्स पे वीक है, नेशनलिज्म के प्लैंक पे वीक है, अभिजीत इज काउंटरिंग यू ऑन फैक्ट्स। हम्बन टोटा 2007 not 17। अजय जी मेरे पास घनश्याम जी के पास आना है। अजय जी, घनश्याम जी, आनंद जी मैं आ रहा हूँ। घनश्याम जी 20 सेकंड, पूरा देश देख रहा है। घनश्याम जी 20 सेकंड, गौरव भाटिया 20 सेकंड, आनंद दुबे 20 सेकंड। दो सरल वाक्य आपके दर्शकों ने देखा होगा कि जब गलवान में हमारे सैनिक हमारी सीमा पर सुरक्षा कर रहे थे जान की बाजी लगा करके, तो यही अभिजीत अय्यर मित्रा, यही गौरव भाटिया कह रहे थे कि उस पूरे हफ्ते कि कोई वहां पे कुछ नहीं है, ये मीडिया और ये लोग यूं ही सवाल खड़े कर रहे हैं। उसके बाद भी जब शहादत हुई हमारे सैनिकों की, तब भी देश के रक्षा मंत्री जो कि उससे पहले वर्चुअल रैली कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की, उनको समय लगा। दूसरी बात जो प्रकल्पा प्रभाकर के बारे में कहा जा रहा है, ये पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होते थे, निर्मला सीतारामन के पति से पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, जो कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड देश का नहीं दुनिया का। 10 सेकंड। चीन का मुद्दा ऐसा है कि ये नर्सरी के स्टूडेंट को पीएचडी की रिसर्च समझ नहीं आएगी, इनको ये भी नहीं पता है एलएसी है, बफर जोन है। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा ना, वो देश का हर नागरिक जानता है, सत्य है। कोई एक इंच भूमि ले जा नहीं सकता है, और हमारे
जवानों ने शहादत दी है। बिल्कुल मेरे पास, गौरव जी मैं आपको रोक रहा हूँ, मेरे पास समय इतना ही था। गौरव भाटिया जी आपने अपनी बात रखी। गौरव भाटिया, अजय उपाध्याय, आनंद दुबे, घनश्याम तिवारी, अभिजीत अय्यर मित्र, दोस्तों मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, मैं राष्ट्र की बात करता हूँ, राष्ट्रहित की बात करता हूँ। हिंदुस्तान का एक भी हिस्सा को अगर हम छोटा मोटा टुकड़ा कहेंगे तो गलत है। और इसमें जो जवाहरलाल नेहरू जी का एक बयान था, ये कम्प्लीटली इनसेंसिटिव दिख रहा है, अगर मैं इसको हिस्टोरिकली भी देखूंगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए ताल ठोक के मैं बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Z News.